Hi friends, welcome back in Study with Engineers. Myself Harsh Rana, and today we will learn how to implement Android widgets. जैसा कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड विजिट्स होती क्या हैं, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ओपन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। Start a new project and always select empty activity. आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है एडिट टेक्स्ट एंड रिमेंबर ऑलवेज रिमूव एग्जाम्पल फ्रॉम पैकेज नेम। थोड़ा सा वेट करेंगे प्रोजेक्ट सिंक होने के लिए। तो फ्रंट एंड की डिजाइन के लिए ओपन करते हैं XML फाइल को, और यहाँ पर हमको टेक्स्ट व्यू की नीड नहीं है तो इसको रिमूव करते हैं। और एडिट टेक्स्ट के लिए हम प्लेन टेक्स्ट को स्क्रीन के सेंटर में ड्रॉप करते हैं। तो स्क्रीन की फुल विड्थ को कवर करने के लिए हम एडिट टेक्स्ट की लेआउट विड्थ को हम मैच प्रिंट करेंगे और टेक्स्ट एट्रीब्यूट से नेम रिमूव कर देंगे एंड हिंट में पास करेंगे एंटर नेम। और इसको स्क्रीन के ऊपर की तरह शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा। अब एक और एडिट टेक्स्ट हम इनहेरिट करेंगे फॉर ईमेल, और इसको भी सेंटर में ड्रॉप करेंगे। और इसकी भी विड्थ को हम चेंज करेंगे मैच पेरेंट, और टेक्स्ट एट्रीब्यूट से नेम रिमूव करना है और हिंट में पास करना है ईमेल। इसको भी थोड़ा सा नेम के नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब एक और एडिट टेक्स्ट हम इनहेरिट करेंगे फॉर फोन नंबर, और इसको भी सेंटर में ड्रॉप करेंगे। और इसकी भी विथ को हम करेंगे मैच पेरेंट, और टेक्स्ट एट्रीब्यूट से हिंट एट्रीब्यूट में पास करेंगे फ़ोन नंबर, और इसको भी ईमेल के नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब इनपुट लेने के बाद एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हम एक बटन को इनहेरिट करेंगे जो कि क्लिक करने पर एक्शन को परफॉर्म करे। तो उसके लिए एक बटन इनहेरिट किया और उसको टेक्स्ट को लिखेंगे उसका सबमिट, और इसको फ़ोन नंबर के नीचे शिफ्ट कर देंगे थोड़ा। अब ये हमारा फ्रंट एंड डिज़ाइन हो चुका है। अब चलेंगे हम अपने बिजनेस लॉजिक पेज की तरफ, और वहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमको आईडी गेट करनी होती है। आईडी गेट करने के लिए हम जितने भी एट्रीब्यूट पास करते हैं उनके लिए हम सेपरेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। हमने तीन एडिट टेक्स्ट लिए हैं तो एडिट टेक्स्ट क्लास के वेरिएबल लेंगे, एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2 और एडिट टेक्स्ट 3। ऐसे ही बटन के लिए हम पास करेंगे बटन टाइप की क्लास और बटन टाइप का वेरिएबल, बटन नेम का वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अब हमको आईडी गेट करनी होती है। आईडी गेट करने के लिए हम सबसे पहले एडिट टेक्स्ट 1 की आईडी गेट करेंगे। एडिट टेक्स्ट 1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी कैपिटल R फॉर रिसोर्स डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट हमारे
नेम की आईडी है और एडिट टेक्स्ट टू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी कैपिटल आर डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट टू, दिस इज फॉर ईमेल. एंड एडिट टेक्स्ट थ्री इज द आईडी ऑफ फोन नंबर. तो तीनों एडिट टेक्स्ट के आईडी गेट कर चुके हैं. बटन के आईडी गेट करेंगे. बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी कैपिटल आर डॉट आईडी डॉट बटन. अब आईडी हमारी गेट हो चुकी है. तो अब हम जब बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमें एक लिसनर लगाना होता है. तो हम लिखेंगे बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर. सबसे टॉप में शो हो रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे. बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड न्यू कैपिटल ओ व्यू ऑन क्लिक लिसनर एंटर. लिसनर हमारा लग चुका है. अब हमको क्या एक्शन परफॉर्म कराना है वो हमको इसके अंदर डिज़ाइन करना है. इसके अंदर उसका लॉजिक लिखना है. अगर हमको इन्फॉर्मेशन टोस्ट में शो करानी है तो हम यहाँ पर टोस्ट यूज़ करेंगे. अगर हमको इन्फॉर्मेशन इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर पहुँचानी है तो उसके लिए हम इंटेंट का यूज़ करेंगे. और अगर हमको इन्फॉर्मेशन किसी टेक्स्ट व्यू में सेट करानी है तो उसके लिए हम सेट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे. तो हम टोस्ट का यूज़ करते हैं. जो भी हम इनपुट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम टोस्ट में शो कराएंगे. टोस्ट में शो कराने के लिए सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन गेट करनी है. तो गेट करते हैं एडिट टेक्स्ट वन की, एडिट टेक्स्ट वन डॉट गेट टेक्स्ट. और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे नेम. इसमें जो नेम इनपुट दिया जाएगा उसको हम गेट करेंगे. और यहाँ पर एक एरर आ रही है क्योंकि हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं लेकिन हमने अपने टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया. तो उसके लिए हम लगाएंगे डॉट टू स्ट्रिंग. सेम फॉर ईमेल एंड सेम फॉर फोन नंबर. स्ट्रिंग एडिट टेक्स्ट टू और इसको स्टोर करेंगे हम ईमेल नाम के वेरिएबल में. एडिट टेक्स्ट थ्री इसको हम गेट करेंगे एक फोन नाम के वेरिएबल में. अब एक टोस्ट डिक्लेयर करते हैं. टोस्ट के अंदर हम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को पास करेंगे और इसको टोस्ट के द्वारा इसको शो कराएंगे फॉर अ शॉर्ट टाइम. टोस्ट नेम प्लस नेम स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन. बिजनेस लॉजिक हमारा हो गया है कंप्लीट. टोस्ट की लेंथ चेंज करते हैं, लेंथ लॉन्ग. और अब अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे शो होता है, कैसे ये वर्क करता है.
तो हमारा फ्रंट एंड कुछ ऐसा दिखेगा, तीन एड टेक्स्ट और एक बटन। इसमें कुछ इनपुट पास करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसे शो होगा। तो आउटपुट कुछ ऐसा टोस्ट में शो होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।